हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आर वन एंड आर टू आर सिमेट्रिक रिलेशन इन द सेट ए, देन आर वन यूनियन आर टू इज, ऑप्शन इज रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी सिमेट्रिक, ऑप्शन सी ट्रांजिटिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मैं रिलेशन बताना है, आर वन और आर टू सिमेट्रिक है, तो आर वन यूनियन आर टू हमारा क्या बनेगा। सो की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट आर वन एंड आर टू इज सिमेट्रिक, दोनों रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सो लेट कर लेते हैं ए कोमा बी, ये हमारा किसमें बिलोंग कर रहा है, आर वन यूनियन आर टू में बिलोंग कर रहा है। तो ए कोमा बी आर वन यूनियन आर टू का मतलब क्या हुआ, जो ए कोमा बी है या तो आर वन में बिलोंग करेगा और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर टू। ए कोमा बिलोंग्स टू आर वन और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर टू, बिकॉज आर वन कैसा है, आर वन भी सिमेट्रिक है और ए कोमा बी आर वन में बिलोंग कर रहा है, सो बी कोमा ए भी आर वन में बिलोंग कर जाएगा। और यहाँ पर भी बी कोमा ए भी किस में बिलोंग कर जाएगा, आर टू में बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज आर वन एंड आर टू क्या है, सिमेट्रिक है। ए बी कोमा आर वन में है, बी कोमा और बी कोमा आर टू में है, तो बी कोमा ए किस में चला जाएगा, बिलोंग्स टू आर वन यूनियन आर टू। इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो आर वन यूनियन आर टू है ये क्या आ गया, ये भी सिमेट्रिक आ गया, ये भी सिमेट्रिक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इन स्वीट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।